हमारी सरकार एक तरफ स्थानीय निकाय की इकाइयों को मजबूत करना चाहती है, सक्षम बनाना चाहती है, विकास कार्यों की दृष्टि से और भी स्वायत्तता उनको देने की पक्षधर है। वहीं साथ ही साथ दो तीन बिंदुओं पर हमने फोकस किया है। खास तौर पर एक, ये नगर निकाय अपनी आय को स्वयं भी जनरेट करने की क्षमता पैदा कर सके, उनके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी हो सके। पहले एक चली आ रही प्रवृत्ति थी कि नगर निगम हो या नगर निकाय की इकाइयों में जो संपत्ति होती थी, कुछ लोगों की आंखें उसमें गड़ जाती थी, उनको आवंटित कर दी जाती थी या भेज दी जाती थी, तो इसको पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए वह उस नगर निकाय इकाई के सोर्स ऑफ इनकम का आधार बने और उस नगर निकाय इकाई को हम लोग उस नगर निकाय इकाई को हम सक्षम बना सकें, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना सकें, जहां हम इसको फोकस कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास, और ठेला है, कुंचा है, रेड़ी है, इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था, जहाँ एक रोड मैप हम लोगों ने इसके लिए खींचा है और उस पर हम लोग अपनी कार्य योजना को लागू करने जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ नगर निकाय की इकाई में सर्वाधिक शोषण का शिकार होता है उनका सफाई कर्मचारी, आउटसोर्सिंग से जो लोग, जो भी सफाई कर्मी हैं, उनको मानदेय नहीं मिल पाता है, सही मानदेय नहीं मिलता है। हम लोगों का प्रयास है कि नगर निकाय इकाइयों में कार्यरत सफाई कर्मचारी को उसका उचित मानदेय मिले, उसको उचित वेतन मिले, सम्मानजनक ढंग से वो अपनी व्यवस्था का संचालन कर सकें, और साथ ही साथ उन नगर निकाय इकाइयों के माध्यम से को हम साफ सुंदर बनाने में उन लोगों का योगदान भी ले सकें। इन सब कार्यों को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है।